PNS गाजी 1971 की वॉर के दौरान बीएफ बंगाल में एंटर करती है। उसका मिशन था ईस्ट पाकिस्तान में ब्लॉकेड को खत्म करके इंडियन नेवी की मोस्ट पावरफुल शिप एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबाना। लेकिन इंडियन नेवी INS राजपूत को डिस्पैच करती है और INS राजपूत हैवी वायरलेस सिग्नल्स एमिट करते हुए अपने आप को INS विक्रांत पोर्ट्रे करती है और INS राजपूत के इसी ट्रैप में PNS गाजी फंस जाती है और टॉरपीडोज का यूज करते हुए INS राजपूत PNS गाजी को डुबा देती है। वहीं पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि PNS गाजी माइन लेइंग एक्टिविटी के दौरान अपनी ही माइन से टकरा के डूब गई थी। लेकिन रिसेंटली इंडियन नेवी की DRSV ने PNS गाजी के व्रेकेज को ढूंढ निकाला। देखिये, इंडियन नेवी वर्ल्ड की 6th नेवी है जिसके पास डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कैपेबिलिटी है और आज इंडिया 2 DSRVs ऑपरेट करता है, एक ईस्ट और एक वेस्ट कोस्ट पर। लेकिन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आज इंडियन नेवी इस PNS गाजी के व्रेकेज को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है PNS गाजी क्यों डूबी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।